भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझा नहीं सका है, कभी ना खुलने वाला गुप्त दरवाजा पद्मनाभस्वामी मंदिर। भगवान विष्णु जी का मंदिर है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे है जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 2,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग 6ठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब 6ठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे भरतक्को कल्लारा तहखाना भी नाम दिया गया है। इस तहखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे किसी मंत्रों से बंद किया गया है और मंत्रों से ही खोला भी जा सकता है। इसके बावजूद जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है, उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई है और किसी की तो मौत भी हो गई है। इस दरवाजे के पीछे से पानी के लहरों की आवाज आती है और कहते हैं अगर ये दरवाजा खोल दिया तो बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इस दरवाजे को पवित्र और श्रपित माना जाता है, जिसको खोलने के प्रयास में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है, और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिशों पर रोक लगा दी है। गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला शिव मंदिर ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हादा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमयी मंदिर मौजूद है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। 40 सालों तक बिना खाना खाए जीवित रहना, भारत साधु संतों की भूमि है, जहाँ पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है। लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, और वे माता अम्बा के भक्त है जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती है। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, और 2003 में स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और डी टीम ने जानी के दावे का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था, और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब व मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर द बॉय विथ डिवाइन पावर नाम की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली, और कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया ने भी उन पर एम इनफांग वार्डास लिच नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाली। 2010 में सुधीर शाह
और अन्य 35 लोगों की टीम ने जानी पर फिर से 15 दिनों तक बंद कमरे में उन्हें बिना खाना पानी दिए रिसर्च की, लेकिन इस बार भी जानी सफल रहे। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई, लेकिन वे अपने जीवन के ऐसे राज दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर दिया था, और उनके इन रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया। जिंदा लाश हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक गुई नाम का गांव है, जहां पर संघा टेंजिन नाम के एक भिक्षु की ममी मौजूद है, जो भारत का इकलौता प्राकृतिक ममी है, यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। संघा टेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी, और ये बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती ममी है। माना जाता है टेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी, और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी खाकर या लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस ममी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी, लेकिन 2004 में ITBP के सड़क निर्माण के खुदाई के दौरान इसे दोबारा से खोजा गया, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद इसे गुईगांव में ही शीशे के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया है। माना जाता है खुदाई के दौरान टेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला था, जो मरे हुए इंसान में हो पाना नामुमकिन है, और यह घाव आज भी उनके सिर में देखा जा सकता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस ममी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, और इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग संघा टेंजिन की पूजा करते हैं, और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने यहाँ आते हैं। सांपो वाला गांव भारत एक धार्मिक देश है, जहाँ बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप को पूरे भारत में पूजा जाता है, और नाग पंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है, पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जहरीला जीव है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में शेतफल नाम का एक गांव मौजूद है, जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते, और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहां के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराख रखते हैं, जिससे सांप उनके घर के अंदर आ सके, क्योंकि यहां सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहां के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं, और यहां जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है, लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 2600 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है, और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गांव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी भी गांव वाले को क्यों नहीं काटते। चिड़ियों का झुंड में आत्महत्या करना। असम के डीमा हसाओ में जातिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है, जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिक को भी हैरान करके रखा है। मानसून के मौसम में खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय, जब बहुत सी प्रजातियों के पक्षी प्रवास कर रहे होते हैं, लेकिन इस गांव से गुजरते ही झुंड के बहुत से पक्षी यहां पर आकर पेड़, बिजली के खंभों या घरों से टकरा कर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं होते, बल्कि प्रवास करने वाले लगभग सभी पक्षी यहां आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच ही होती है। गांव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेतों को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण मानसून में होने वाला कोहरा और चिड़ियों को आकर्षित करने वाली रोशनी है, जिससे कोहरे में उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता, और वे खंभों या पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं।
लेकिन वैज्ञानिकों के इस तर्क को भी सच नहीं माना जाता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं, जिन्हें अपने रास्तों का अच्छे से पता होता है, और पेड़ व लाइट के खंबे तो हर जगह होते हैं, फिर भी इसी जगह पर आकर सभी पक्षी क्यों मरते हैं। जातिंगा गांव में पक्षियों का इस तरह से झुंड में मरना अभी तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वीरान गांव, जिसे दोबारा कोई नहीं बसा पाया, भारत की धरती पर बहुत से राज और रहस्य छुपे हैं, जिन्हें सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही भारत का एक रहस्यमयी गांव है कुलधरा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद एक वीरान गांव है, जिसे श्रापित माना जाता है और यहां पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन माना जाता है कि आज से 300 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक खुशहाल गांव था। उस समय यह पालीवाली ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था और गांव की जनसंख्या 5000 के करीब थी। लेकिन एक बार राज्य के क्रूर दीवान सलीम सिंह की गंदी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी और वह उसे किसी भी तरह से पाना चाहता था। इसीलिए उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि उस लड़की को उसके हवाले कर दे, वरना वह गांव पर हमला कर देगा और लड़की को जबरदस्ती लेकर जाएगा। लेकिन एक रात कुलधरा के साथ आसपास के 83 गांव वालों ने एक मंदिर में सभा बिठाई और लड़की के सम्मान को बचाने के लिए गांव छोड़ने का निश्चय किया, और उसी रात वे गांव को छोड़ के चले गए। लेकिन माना जाता है कि जाते हुए उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि अब कुलधरा गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा, और तभी से आज तक यह गांव खाली पड़ा हुआ है, जबकि बाकी के 83 गांवों में दोबारा से लोग रहने लगे हैं। आज के समय में कुलधरा गांव की देखरेख सरकार करती है और दिन में लोग टिकट लेकर इस गांव में घूमने जा सकते हैं, लेकिन रात के समय किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस जगह को श्रापित और भूतिया माना जाता है। कोडिन ही जुड़वा लोगों का गांव केरल के मलप्पुरम जिले में कोडिन ही नाम का एक गांव मौजूद है, जिसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में 2000 के करीब लोग रहते हैं, जिसमें से 400 के लगभग जुड़वा है, और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दुनिया में हर 100 बच्चों में 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में हर 100 बच्चों में 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, और जुड़वा बच्चों का ये औसत एशिया में सबसे ज्यादा है। जुड़वा बच्चों के इस गांव के रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया के बहुत से शोधकर्ता इस गांव में आए और लोगों का डीएनए टेस्ट किया, लेकिन वे इतने सारे जुड़वा बच्चे होने का साफ कारण पता नहीं लगा पाए। शोधकर्ताओं का कहना है कि जुड़वा बच्चे होने का कारण गांव की हवा, आहार, पानी और कुछ अज्ञात तत्व हो सकता है, लेकिन इस रहस्य का स्पष्ट तौर पर पता नहीं लगाया जा पाया है। सबसे रहस्यमयी चमत्कारी मंदिर। भारत के अधिकतर अनसुलझे रहस्य भारत के मंदिरों से ही जुड़े हैं, जहां हर दिन नए नए चमत्कार होते रहते हैं, और उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक है ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के पास मौजूद है, इसलिए मंदिर के बाहर समुद्र के लहरों की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक सिंह द्वार मौजूद है, जिसके अंदर एक कदम आते ही समुद्र के लहरों की आवाज बंद हो जाती है और बाहर निकलते ही आवाज फिर से आने लगती है। मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी है, जिसे रोज बदला जाता है, और ये ध्वजा प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। ध्वजा के नीचे एक चक्र मौजूद है, जिसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना जाता है, और इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखने पर यह अपनी तरफ घुमा हुआ ही दिखता है। प्रकृति का नियम है कि जिस भी चीज पर रोशनी पड़ती है उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। इन सभी घटनाओं के पीछे विज्ञान का मानना है कि मंदिर के निर्माण में कोई खास अज्ञात शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे विज्ञान स्पष्ट नहीं कर पाया है, जबकि भक्त से भगवान का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर का एक और रहस्य यह भी है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता, और इस मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है।
जहां प्रतिदिन हजारों लाखों लोग खाना खाते हैं, लेकिन रसोई का रहस्य ये है कि यहां जगन्नाथ की का प्रसाद 7 बर्तनों में तैयार किया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद सबसे अंतिम में। जगन्नाथ पुरी जी के इन सभी रहस्यों को भक्त तो भगवान का चमत्कार मानते हैं, जबकि विज्ञान के लिए ये सभी रहस्य अनसुलझा ही है और वे इन्हें सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। रामेश्वरम के तैरते पत्थर भारत में रामायण तो लगभग सबने सुना होगा और उन्हें राम सेतु के बारे में भी पता होगा, जो एक ऐसा सेतु था जिसे भगवान श्री राम और वानर सेना ने रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों से बनाया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी वह सेतु मौजूद है और रामेश्वरम के तटों में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। भक्तों का मानना है कि ये श्री राम के समय के सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर है, लेकिन विज्ञान रामायण और राम सेतु को पूरी तरह से नकारता है और इन तैरते पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में लगे है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्यूमिस स्टोन है जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बनते हैं और जलने के कारण अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिससे ये पानी में तैर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अपने इस तर्क पर भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रामेश्वरम में पाए जाने वाले पत्थर पुलिस पत्थर के मुकाबले ज्यादा भारी है और इस जगह के आसपास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का कारण वैज्ञानिक अभी तक साफ तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं और अभी भी इस रहस्य पर शोध जारी है, जबकि बहुत से हिंदू लोग इसे रामायण से जोड़कर देखते हैं। पर आप लोगों को इन तैरते पत्थरों के पीछे का कारण क्या लगता है, विज्ञान या श्री राम भगवान?